हेलो गाइज, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बना रहा हूँ इंस्टाग्राम के फोकस फीचर के बारे में। तो इंस्टाग्राम का फोकस फीचर अभी ही रिलीज़ हुआ है, लेकिन ये सिर्फ डेवलपर्स के पास आया है और जो बीटा यूज़ करते हैं फेमफेयर उनके पास आया है। तो अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हैं तो आप इसे डायरेक्टली गूगल पे से तो नहीं, लेकिन आप डायरेक्टली एक APK डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे। लेकिन गूगल पे सर्च करने के बाद किसी भी वेबसाइट से वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक iOS यूज़र आईफोन यूज़र हैं तो आपको एक फेमफेयर ही डालना पड़ेगा पूरे फ़ोन में, नया बीटा वाला। तो उसके लिए प्रोफाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको फ़ोन में। तो उसका क्या है, कैसे कैसे उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको मैं वीडियो में एक लिंक डाल दूंगा अपनी वीडियो का। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे आप बीटा फेस यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम के फोकस फीचर के बारे में, तो ये अभी रिलीज़ हुआ है हमारे लिए, लेकिन अगर ये ग्लोबली ग्लोबली का मुझे नहीं पता कि ये ग्लोबली कब लोगों के पास आएगा, लेकिन जिसके पास भी आया तो सिर्फ मेरे पास आया। और अगर मैं अपना फ़ोन किसी और की आईडी पे यूज़ करूँ तो भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ये मेरी यूज़र नेम से ही दिखेगा। सिर्फ मैं ही इसे अभी तक यूज़ कर पा रहा हूँ और जो भी बीटा फेस के लोग हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का फोकस फीचर यहाँ देखने को मिलेगा आपको। सुपर जूम यहाँ पर आ जाएगा, बूमरैंग के बाद सिर्फ फोकस आएगा और उसके बाद ये जो होता है बुके इफेक्ट ले आएगा। तो कैसा है इसका बुके इफेक्ट? बुके इफेक्ट ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है बुके इफेक्ट। अगर आपके सामने, मेरा तो अभी सिंगल कैमरा तो सॉफ्टवेयर ही लेगा, लेकिन जैसे iPhone 10 के अंदर हार्डवेयर लगा है बुके इफेक्ट के लिए, पोर्ट्रेट मोड के लिए। तो iPhone 10 की मे बी अगर ये हार्डवेयर यूज़ नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर से ही करेगा। प्लस बात करें जैसे कि मेरे फ़ोन में पीछे रेयर में डुअल कैमरा सेटअप है, तो डुअल कैमरा के बावजूद ये सॉफ्टवेयर के ही थ्रू लिएगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फ़ोटो खींचेगा और क्लिक करेगा और पोर्ट्रेट मोड लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ इसके फोकस से, पोर्ट्रेट से, फोकस मोड और पोर्ट्रेट से, तो यहाँ पर काफ़ी सारा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी फ़ोटो बहुत क्रिस्प आती हैं, बहुत क्लियर फ़ोटो होती हैं। आप DSLR फ़ोटो, एक अगर लाइटिंग में बात करूँ बाहर की, आउटडोर लाइटिंग की, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकता है। लेकिन अगर हम फोकस फीचर से लूँ तो फ़ोटोज़ में काफ़ी सारे आपको एरर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बीटा फेस में तो आ भी सकते हैं एरर, लेकिन अगर आप ग्लोबली इसमें आने के बाद अगर ऐसे फीचर, अगर ऐसे एरर आपको देखने को मिलेंगे तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, ऑब्वियसली बात है गंदी ही आएगी फ़ोटो। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आपको मैं कुछ क्लिक्स दिखा देता हूँ अपने फ़ोन में जो कि मैंने आउटडोर लाइटिंग में भेजे थे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर्स के आसपास जो हैं थोड़ा इसने धुंधला कर दिया है, लेकिन अगर पीछे की बात करूँ बैकग्राउंड की तो अच्छा खासा ब्लर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लर अच्छा किया है, मैंने 3 क्लिक किए थे और तीनों अच्छे क्लिक्स आए हैं। मैं काफ़ी अच्छा तरह से इन्होंने मुझे निखारा है बैकग्राउंड में से, तो जहाँ तक कि ये अच्छा फीचर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एरर्स की, तो आप देख सकते हैं मेरे ऐसे, अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोज़ लूँ तो बहुत अच्छी पोर्ट्रेट क्लिक आती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम के तो काफ़ी सारे एरर हैं। तो अभी बीटा फेस में है इसलिए आ सकते हैं एरर, लेकिन जब तक ये ग्लोबली निकाले, मतलब इंस्टाग्राम सबको दे ये फीचर, तब ये एरर नहीं आने चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अगर ज़रा सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं उस पर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।